रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर देश भर में विरोध हो रहा है और इंदौर के लोगों ने अपना विरोध इस अनोखे तरीके से दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आपके सामने पेश है बात पते की। इस वीडियो में जो लोग कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, इसको देखकर आपको लग सकता है कि ये शायद गरीबों की मदद करने के लिए कोई मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये इंदौर के लोगों का एक तरीका है बॉलीवुड के अभिनेता रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट के खिलाफ विरोध जताने का। जी हाँ, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सड़क से कचरा उठाने के बाद अब मानसिक कचरे को भी खत्म करने की कवायद शुरू की गई है। आदर्श मार्ग पर स्थित नेकी की दीवार के पास रणवीर सिंह के लिए कपड़े एकत्रित किए गए। आइए आपको बताते हैं कि क्यों है जनता में रणवीर सिंह को लेकर ये गुस्सा। दरअसल इंदौर में ये मुहिम चलाई गई है जिसमें रणवीर सिंह का ये विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि रणवीर सिंह यूथ आइकन है और जब यूथ उन्हें फॉलो करता है तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो उनको भ्रमित भी कर सकती हैं। साथ ही लोगों ने कहा कि रणवीर सिंह की इस तरह के जो फोटोशूट है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए किए गए हैं और इसी की वजह से जनता गुस्सा है और उनके लिए कपड़े दान कर रही है ताकि वो आगे से इस तरह की हरकत ना करें। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बॉलीवुड के अभिनेता रणवीर सिंह ने ये न्यूड फोटोशूट करवाया था जिसके बाद से देश भर के अलग अलग कोनों से विरोध सामने आया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड के सितारे ने इस तरह का फोटोशूट करवाया है। पहले भी मिलिंद सोमन, ईशा गुप्ता जैसे सितारे हैं जिन्होंने इस तरह का फोटोशूट करवाया है। लगातार हो रहे विरोध पर अभी तक रणवीर सिंह ने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि बॉलीवुड के और सितारों ने कहा है कि किसी को भी रणवीर सिंह के खिलाफ इस तरह से विरोध नहीं करना चाहिए, उनको पूरा हक है जो वो चाहे वो कर सकते हैं और इस तरह का फोटोशूट उनका एक तरीका है और ये एक तरह की कला का ही हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल News24 MPCG को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।